गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एसबीपीएस। इन दिस वीडियो फॉर सिक्स क्लास इन नंबर टुडे आई विल टीच यू लेसन नंबर फॉर वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ए वर्ब इज अ मेन वर्ड इन ए सेंटेंस। इट इज द वर्ब ऑफ इट इज आल्सो कॉल्ड एन एक्शन वर्ब। इसको एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। आप लिखोगे स्पीच क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन। वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ब। नाउ आफ्टर दैट आई विल टीच यू अबाउट काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रियाओं के प्रकार। वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के कार्य अनुसार। तो पहले टाइप होते हैं फर्स्ट टाइप क्या किया जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। यू हैव सॉरी आई राइट ए आर वाई ऑक्सिलरी वर्ब। इसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो। एज शुड बी हेल्पिंग वर्ब। एंड सेकेंड टाइप स्टार्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब वी आर वाई ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच हेल्प द मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस। जो एक मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उन्हें ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। ये मुख्य भाग होता है या द मेन वर्ब्स। एंड फॉर एग्जाम्पल सी ही इज गोइंग देयर। तो वह वहां जा रही है। तो यहाँ देखिए आपका ये आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट वर्ब कह सकते हो। एंड गोइंग विल बी योर मेन वर्ब। एंड सेकेंड टाइप्स आपके काइंड ऑफ वर्ब होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब और आपसे दी गई दूसरी टाइप में उसमें होते हैं ट्रांसलेटिव वर्ब। पहला क्या होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज विथ ऑब्जेक्ट सकर्मक क्रिया से हिंदी कहते हैं। ये क्या होते हैं कि ए वर्ब इसकी डेफिनेशन आपकी होगी ए वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ए वर्ब जिसे आवश्यकता पड़ती है एक ऑब्जेक्ट इसका सेंस कंप्लीट करने के लिए इज कॉल्ड ए ट्रांसलेटिव वर्ब। उसे हम ट्रांसलेटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे द बॉय प्लेड ए मैच। द बॉय प्लेड ए मैच लड़के ने मैच खेला। एंड दूसरा टाइप होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। ये अकर्मक क्रिया होती है विदाउट ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन होती है द वर्ब व्हिच डू नॉट नीड और रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इन एन इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे वर्ड्स दी वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चिड़िया आकाश में होती हैं। तो इन द स्काई दिस इज नॉट ए ऑब्जेक्ट ये अदर वर्ब हो गया। तो दिस इज कॉल्ड योर इंट्रांसिटिव वर्ब और ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होगी बिकॉज इस वर्ब के बाद आपका ये जो मैच है ऑब्जेक्ट दिया गया। एंड दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट दिस इज ओनली इन द स्काई। ये फेस का एग्जाम्पल है आपका। थर्ड टाइप से आधार पे आपकी वर्ब और होती क्लास क्लासिफाइड वर्ब होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। तीसरे टाइप में टाइप थर्ड में स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। ये क्या होती है देखिए बेटा स्ट्रॉन्ग वर्ब। वर्ब्स आर डिवाइडेड टू टू स्ट्रॉन्ग वर्ब। द वर्ब विच फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग द वोवेल्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि एंड वी डू नॉट एड डी ई डी और टी टू द प्रेजेंट में नहीं जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा गो सेकंड फॉर बैंड एंड थर्ड फॉर गोन। इस तरीके से आपके और भी होते हैं जैसे बैट सक लगाना बैट भी और इसकी थर्ड फॉर भी बैंड रहती है। आफ्टर दैट योर इज वीक वर्ब। कम वीक वर्ब क्या होती है देखिए द वर्ब विच फॉर्म देयर पास्ट टेंस मीन्स की वे क्रियाएं जो अपने पास्ट टेंस को बनाती है बाई एडिंग डी ई डी एंड टी उनको हम वीक वर्ब कहते हैं। जैसे कि कोई सेकंड वर्ब होगी एक्ट का करना तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी एक्टेड एंड थर्ड फॉर्म भी एक्टेड। ओके नाउ इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन बताई विच यू टू डाइट एंड वर्ब की थ्री टाइप बताए तीन प्रकार की क्रियाएं बताई। फर्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब सेकंड वन मेन वर्ब क्या होती है
सेकंड टाइप में ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया है, इन ट्रांसिटिव अकर्मक क्रिया। थर्ड टाइप में स्ट्रॉन्ग वर्ब वीक वर्ब व्हिच यू विल राइट बाय लिसनिंग माय स्पीच इन योर कॉपी एंड लर्न देम। या होमवर्क, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।